अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के छठे वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन सप्त दिवसीय योग एवं शैक्षिक कार्यशाला के समापन अवसर पर कार्यशाला संयोजक गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने फेसबुक पेज के माध्यम से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान गुरु गोरखनाथ जी का योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शिता का प्रतिफल है कि आज दुनिया इस योग के विज्ञान को समझ रही है। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। निश्चय ही हम सभी संघर्ष व तनाव के बीच विशेष रूप से COVID-19 के इस दौर में शरीर को स्वस्थ व मन को शांत रखने में योगाभ्यास के द्वारा सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि योग व्यायाम नहीं अपितु विज्ञान का चौथा आयाम है। व्यक्ति अपने जीवन की श्रेष्ठता के शिखर पर योग के ही माध्यम से आगे बढ़ सकता है, इसलिए योग के महत्व को समझना होगा। इस अवसर पर उन्होंने विगत सप्त दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला के अंतर्गत जिन विशिष्ट वक्ताओं का उद्बोधन व मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उनमें प्रमुख रूप से भारत की योग परंपरा और महायोगी गोरखनाथ विषय पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल संकाय प्रमुख संस्कृत एवं प्राचार्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली वैश्विक महामारी काल में योग गुरु गोरखनाथ के धर्माचरण के अनुपालन का दर्शन विषय पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर द्वारका नाथ अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ की योग साधना विषय पर मुख्य वक्ता डॉक्टर पूरन सहगल निदेशक मालवा लोक संस्कृति अनुष्ठान नीमच मध्य प्रदेश गांव नगर नाथ सगर डगर योग विषय पर प्रोफेसर रविशंकर सिंह विशेष कार्य अधिकारी महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में योग विषय पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेश बर्नवाल अध्यक्ष योग विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड कुंडली जागरण की वैज्ञानिक विवेचना विषय पर डॉक्टर दीनानाथ वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक एवं योग विशेषक सेवानिवृत्त KGUM लखनऊ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके साथ ही ऑनलाइन योग शिविर में प्रातःकाल एवं सायंकालीन में योग के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों को सुचारू रूप से परिचय कराने के लिए योग प्रशिक्षक डॉक्टर चंद्रजीत यादव तथा साधक शुभम द्विवेदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। लीवर पे बहुत असर पड़ता है, मधुमेह के लिए बहुत बढ़िया है, लंबाई बढ़ाने के लिए, स्पाइनल के लिए बहुत बढ़िया अच्छा है। स्पाइनल के 26 गांठों पर असर पड़ता है, अपर लोअर सर्वाइकल स्पेलाइटिस भी दूर होता है। कहते हैं अपर में 7 जोड़ों पर असर पड़ता है, लोअर में 7, बीच में 12 जोड़ों पर असर पड़ता है। वृद्धावस्था में कमर नहीं, जैसे पिलर पे हमारे छत जो है उनको रोक देते हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन में कभी आपका कमर का गर्दन का झुकना नहीं होगा और लंबे जीवन जीने के एक योग होंगे, एक अधिकारी होंगे। दूसरे पैर से कितने जीवन से दूर भगना है, बंद कमरों में रहते हैं, हमारे त्वचा को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता, खुले वातावरण में रहते हैं, प्रातः काल अमृत बेला में उठते नहीं है, कहते नहीं है, उसी के देन है कि हमारे अंदर शरीर में व्याधियों की संख्या बढ़ जाती है। कहते हैं शरीर को ध्यान न दिया जाए तो ये व्याध मंदिर का मंदिर माना जाता है, तो रोग जो है इतने बढ़ जाते हैं, उनको जो है दूर करने के लिए आपकी श्वसन क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए। समय समय पर कब आपको उठना है, कब भोजन करना है, संतुलित आहार संतुलित योग करने की जरूरत है। करो योग रहो निरोग, कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य का जो नियम है सिर जो है आपका ठंडा होना चाहिए, पेट मुलायम पैर गर्म। कहते हैं इतिहास कहता है कि हम स्वस्थ थे लेकिन वही विज्ञान कहता है स्वस्थ होंगे, लेकिन योग कहता आज अभी कर रहे हैं अभी हम स्वस्थ होंगे। तो इस तरह जो है आप भगवान शिव के पुत्र अंश हैं, कहीं से कमी नहीं है, आप जब हताशा निराशा या तमोगुण में न रहें, बिल्कुल मुस्कुराते हुए जो है आप जो है जिए और आप ये महसूस करें स्वयं को जाने स्वयं को पहचाने वही योग है। आप शरीर नहीं है, एक अजर अमर आप।